क्या होता है ना कि कुछ भी मिलता है तो एक और वो होता है, चाह होती है कि हाँ अब ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, तो वो प्रोत्साहन आता है प्लेयर्स में, हर फील्ड में आता है ये तो। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। तभी तो अब छोरियाँ घर के आंगन से निकलकर खेल के मैदान तक पहुँच चुकी हैं और इसी खेल के ज़रिए वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर ना सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। कुछ ऐसा ही किया है ग्वालियर की करिश्मा यादव ने, जिन्होंने समर कैंप से अपने हॉकी के करियर की शुरुआत की और नेशनल लेवल तक अपने इस प्रदर्शन को जारी रखा और इसके साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी एकलव्य और विक्रम जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं वुमेन हॉकी प्लेयर करिश्मा यादव से। तो मेरे साथ हैं वुमेन हॉकी प्लेयर करिश्मा यादव, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके हॉकी प्लेयर बनने की जो स्टोरी है उसको जानते हैं। करिश्मा कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ करिश्मा। करिश्मा सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दो भाई हैं, दोनों मैरिड हैं और मैंने 2009 में दर्पण मिनी स्टेडियम से हॉकी का करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद 2010 में एमपी स्टेट वुमेन्स हॉकी एकेडमी में मेरी सिलेक्शन हुई थी। ये वहीं का ग्राउंड है जिससे मैंने पूरी अपनी पूरे सपने पूरे किए हैं, जो मतलब एक प्लेयर का सपना होता है इस एकेडमी में आना, उसके बाद अपना पूरा जर्नी देखता है कि मैं भी अपना हॉकी के थ्रू पूरा करियर सेट करूँगा। तो वही ये पिच बहुत लोगों का सपना है कि यहाँ पर आए वो लोग। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि आपने आपका हॉकी का सपना जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, तो क्या ये सपना आपने बचपन से देख रखा था कि हाँ आपको हॉकी में जाना है? क्योंकि स्पोर्ट्स तो कई सारे होते हैं, तो हॉकी में आने का जो ड्रीम था वो बचपन से था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2009 में क्या था, मेरे साथ वाले जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे जाते थे, तो मैं भी उनके साथ बस नॉर्मली समर कैंप में एक महीने के लिए सिर्फ समर कैंप अटेंड करने गई थी। इतना अच्छा लगा कि मैं उस हॉकी को छोड़ ही नहीं पाई, उसको कंटिन्यू किया। और ऐसा नहीं था कि मुझे इतना अचीव करना, खेल खेल के इंटरेस्ट, वही कहते हैं ना किसी जो भी काम कर रहे हो पूरा अपना 100% दो, इतना अच्छा लगता है करने में, जिसमें मज़ा है वो काम करो। तो बहुत मज़ा आता था मुझे करने में, तो वही है मैंने 100% दिया, तो आज मुझे जो भी मिला है इसी की वजह से मिला है। तो जैसे अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में अभी तक आप स्टेट को कहाँ तक रिप्रेजेंट कर पाए हो? हॉकी में मैं इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, इंडिया में सीनियर इंडियन टीम में मैं प्लेयर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा तो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता, उसका हर एक का सपना होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी यही है कि आगे ओलंपिक और होने वाला है, उसमें भी मैं खेलूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपने नेशनल लेवल पर भी हॉकी खेला है, तो वो किस ईयर में आपने जो है नेशनल लेवल पे हॉकी खेला था? मैंने 2011 से, मतलब नेशनल्स होते हैं एमपी की टीम से, टीम को रिप्रेजेंट करते हुए मैं 2011 से खेलती आ रही हूँ एमपी की टीम से। 2013 के नेशनल के बाद हमारी हम लोगों का कोर ग्रुप होते हैं इंडियन कैंप के लिए, तो उसमें सिलेक्शन होती है 60 के बाद 33 सिलेक्ट किए जाते हैं, तो वो 33 पूरे ईयर रहते हैं, फिर नेक्स्ट नेशनल में चेंज होते हैं। तो जब भी टीम कहीं बाहर जाती है, इंडिया के बाहर इंडिया टीम बनती है, तो उन्हीं 33 में से बनते हैं। तो मैंने 2014 में सबसे पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और 2013 से मैं कंटिन्यू कैंप में रही हूँ और उसके बाद वहीं से टीम को रिप्रेजेंट करती रही। तो जैसे कि हॉकी आपने जब नेशनल लेवल पे भी खेला, तो अभी तक का जो आपका करियर रहा है हॉकी का, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब हम लोगों ने हॉकी शुरू की थी तो इतना बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोगों ने जैसे एक साल मैंने लोकल में की थी दर्पण मिनी स्टेडियम, फिर हमको यहाँ पर स्पेसिफिक एक एक स्किल में परफेक्शन कराई जाती है। यहाँ पर परमजीत सर हैं, वंदा मैम हैं, इन लोगों ने मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं लेकिन हर एक प्लेयर की जो कहते हैं ना कि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, इन चीज़ों पर वर्क किया जाता है हम लोगों पर, फिर हम लोगों को मोडिफाई इतने अच्छे से किया जाता है कि हम लोगों को कैंपों में जाकर दिक्कत नहीं आती इंडिया टीम में खेलने के लिए। हम लोगों को यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ दी गई है, दो दो एस्ट्रोटर्फ हैं, इक्विपमेंट इतने ज़्यादा हैं, किसी भी इंडिया में किसी भी एकेडमी में इतना सब कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि आप हॉकी के अलावा आप प्रोफेशन में भी हैं, आप जॉब भी करते हैं? हाँ जी, मैं इंडियन रेलवेज में अभी 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जैसे अभी आप रेलवे में आप जॉब करते हैं, तो अभी रेलवे में आप किस पद पे पोस्टेड हैं? चेकिंग स्टाफ, मैं टीटी।
ओके तो एक तरफ आप टीटी का जॉब भी निभा रहे हैं रेलवे का, जो कि वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक तरफ हॉकी भी खेलनी है, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? स्टार्टिंग में तो बहुत, जब मेरी जॉब लगी थी तब तो मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग भी करना है, उसके बाद जो बीच में रेस्ट पीरियड होता है उसमें ड्यूटी भी करनी, हाफ डे मिलता था हम लोगों को। फिर रेलवे की भी एक अच्छी स्कीम है बहुत ज़्यादा, अगर आप नेशनल में मेडल लेते हो, फर्स्ट टॉप 3 में आते हो किसी में भी, तो आपको 30 डेज की लीव दी जाती है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। तो इंडियन रेलवे की टीम से मैं खेली थी तो मेडल आ गया, तो अभी तो मैं लीव पर ही हूँ, स्पेशल लीव पर। ओके, मतलब आपको लीव? हाँ जी, तो ट्रेनिंग के लिए पूरा हम लोगों को रेस्ट भी हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है। तो अभी तक की जो आपकी हॉकी की जर्नी रही है, जो कि आपने बताया कि काफ़ी एक्सपीरियंस मिला आपको, तो तब से लेकर अभी तक कितना रहा फैमिली का सपोर्ट? फैमिली शुरू से सपोर्ट में थी? फैमिली तो शुरू से ही सपोर्ट में थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी 2009 में, तो दुष्यंत नगर के पास मेरा गाँव एक विलेज है, तो ऐसा नहीं है, पहले 10 साल पीछे जाएं अगर हम, तो शुरू में कोई भी हाँ नहीं करता है, पेरेंट्स तो है, लेकिन पेरेंट्स अलाउ कर रहे थे, तो ये था कि यार फैमिली वाले क्या बोलेंगे, ये वो लड़की को बाहर निकालना टाइप, तो शुरू में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने अचीव किया तो एक अच्छी चीज़ जरूर चालू हुई कि मेरे को देख के और लड़कियों ने स्टार्ट किया, उन लोगों को भी उनकी फैमिली अलाउ कर रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ हुई है। तो जैसे हॉकी में अभी तक आपके जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं? नेशनल मेडलिस्ट, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर में नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और जूनियर इंडिया टीम को मैंने 6-7 बार रिप्रेजेंट किया, सीनियर वुमेन टीम को मैं भी रिप्रेजेंट करती आई हूँ, और एमपी की मैं अवार्ड दिए जाते हैं, 2015 में मुझे एकलव्य अवार्ड मिला था और 2019 में मुझे विक्रम अवार्ड मिला था। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो चूँकि ये बहुत एक सम्मान की बात होती है, तो कैसा महसूस करते हो जब एक गेम, एक स्पोर्ट को जब आपने परस्यू किया है और उस बेसिस पे आपको पहचान मिलती है तब? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी काम को भी कर रहे हो, जैसे कि आप हॉकी खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसी फील्ड में आपको अवार्ड मिलते हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये क्या होता है ना कि कुछ भी मिलता है तो एक और वो होता है, चाह होती है कि हाँ अब ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, तो वो प्रोत्साहन आता है प्लेयर्स में, हर फील्ड में आता है ये। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि नेशनल लेवल पे आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो अब जो करिश्मा है उसका करिश्मा कब देखने को मिलेगा दोबारा? अभी यही है कि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ डेली की, वापस इंडिया टीम में जाऊँ और ओलंपिक में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करूँ, मेरा अभी ये एम यही है। अगर आपके अभी तक के जो एक्सपीरियंस में जो आपका फेवरेट हॉकी मोमेंट जानूँ, तो आपका सबसे फेवरेट हॉकी मोमेंट कौन सा है? मेरा यही मोमेंट फेवरेट है कि मतलब पहली बार जब मैं इंडिया टीम के लिए अनाउंसमेंट हुई थी कि मेरी सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए हुई है, इससे ज़्यादा मतलब बहुत कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो वाली फीलिंग थी। ओके, तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही प्राउड वाली बात भी थी और साथ ही साथ बहुत हैप्पी मोमेंट भी था। ये होता ना, फैमिली इतनी खुश होती है उस टाइम पर, मतलब और फैमिली खुश हो, सब और इंडिया को रिप्रेजेंट करो, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो फीमेल्स, जो वुमेन अभी आपको देख रही हैं, जो भविष्य में आगे की हॉकी प्लेयर्स, अच्छी हॉकी प्लेयर साबित हो सकती हैं, तो वो किस तरह हॉकी में अपना करियर बना सकती हैं और किस तरह अपने आप को मोटिवेट कर सकती हैं इस करियर से जुड़ने के लिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, डांस कर रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, उसमें अपना 100% दो। जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें हर एक ड्रिल में अपना 100% दो। ऐसा नहीं है कि आलस आ जाता है कि आज नहीं करना कल करना है, क्योंकि हम लोगों की जो एक एक दिन की मेहनत होती है वो सालों बाद हम लोगों को मिल पाती है। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है अपने वर्कआउट में, जो भी करना है हमेशा अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच करिश्मा हमसे जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ थी करिश्मा यादव, जो कि वुमेन हॉकी प्लेयर हैं और इसके साथ ही इन्हें स्टेट लेवल पे भी विक्रम और एकलव्य अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट, कैमरामैन मितेश के साथ मैं हूँ मिताली, नमस्कार।